जनपद हापुड़ के थाना कोतवाली नगर में दबंगों द्वारा एक अधिवक्ता के घर में घुसकर वकील और उसके परिवार पर हमला करने का मामला सामने आया है। अधिवक्ता दीपक कुमार और उसके परिजनों को गंभीर चोटें आई हैं। मामले की शिकायत अधिवक्ता दीपक ने पुलिस को दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मैं दीपक कुमार एडवोकेट। कल 9:30 बजे मेरे साथ विवाद हुआ था, जिसमें मेरी माता, मेरी बहनों के और मेरे भाइयों के काफ़ी गंभीर चोटें आई। सभी के सिर में 9-9, 10-10 टांके आए हैं। जैसा आप लोग देख रहे हैं कि पूरा परिवार हमारा, उन्होंने जान से मारने की प्रयास किया हमें मारने का। मेरा प्रयास यही है कि उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो, ताकि वो भविष्य में खोट कभी भी किसी के साथ भी ऐसा घटना घटित न करे। Brainwaves International School, for admission call 8791-258181, 8279-806606. अधिवक्ता दीपक कुमार अपने परिवार के साथ हापुड़ की टीचर्स कॉलोनी में रहते हैं। रविवार रात करीब 9:30 बजे के आसपास उसके दबंग पड़ोसी घर में आ धमके और लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें अधिवक्ता दीपक, अधिवक्ता के दो भाई, एक बहन और मां गंभीर रूप से घायल हो गए। इसी तरह आसपास के लोगों ने पहुंचकर मामला संभाला, लेकिन दबंगों ने कुछ देर बाद अधिवक्ता के घर पर ईंट पत्थरों की बरसात कर दी। इस दौरान अधिवक्ता के सर में काफी चोटें आई हैं और 8 टाके लगाए गए हैं। वहीं अधिवक्ता के दोनों भाइयों को भी 7-8 टाके आए हैं। अधिवक्ता का कहना है कि कुछ दिन पहले दबंगों ने उससे गाली गलौज की थी, जिसकी शिकायत अधिवक्ता ने पुलिस से की थी और पुलिस द्वारा कार्रवाई करने से गुस्साए दबंगों ने यह कदम उठाया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।